हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में आप सभी को यहाँ पर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यानी कि जैव अणु ये पूरा वन शॉट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर इसके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप सभी को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है जिससे सभी टॉपिक जो आपके यहाँ पर क्लियर हो सके। इसके अलावा इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो आप वहां से जाकर पहले की वीडियो भी वन शॉट में जो है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस समय चैनल पर जो है अनसॉल्व की क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं, तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैव अणु क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं उन्हें बोला जाता है जैव अणु। याद रखेंगे कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल या फिर कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं उन्हें बोला जाता है जैव अणु, या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जो है जैव अणु कहते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जैव अणु के बारे में बताया गया है कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं वे जो है जैव अणु कहलाते हैं। इसके अलावा आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु जो है कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर उदाहरण बता सकते हैं इसके, जैसे कार्बोहाइड्रेट ये जो है जैव अणु है। इसके अलावा बता सकते हैं प्रोटीन, या फिर आप बता सकते हैं विटामिन आदि। तो ये सभी जो है जैव अणु होते हैं, ये जो है जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणु होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो आपका ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ें। तो अब ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, आप बता सकते हैं कि ये जो है कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त जो है पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। और अगर इनके सरलतम सूत्र की बात करें तो इनका सूत्र बता सकते हैं, सरलतम सूत्र, तो इनका सूत्र याद रखिएगा, सूत्र होता है इनका CH2O, ये सूत्र होता है CH2O, ये इनका जो है सरलतम सूत्र होता है। लेकिन अगर हम लोग सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र, तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CX, इसके अलावा होता है H2O और यहाँ पर होता है Y। यहाँ पर X और Y की जगह पर जो है कोई भी नंबर हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है इनका सामान्य सूत्र होता है। इसके अलावा स्रोत कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि जिनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो आप बता सकते हैं दूध, दूध से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं गन्ना, चुकंदर, इसके अलावा आम, केला, इसके अलावा आलू, और आप बता सकते हैं गाजर, इससे भी जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसके अलावा अंगूर, जौ और मक्का, इसके अलावा बाजरा, और इसके अलावा ज्वार आदि, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, यानी कि इनसे जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण की बात करें यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, इसे हम लोग रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं, रक्त शर्करा। और इसके अलावा दूसरा होता है सुक्रोज, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इससे हम लोग चीनी कहते हैं, सुक्रोज को बोला जाता है चीनी। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसके अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H12 यानी कि H12, इसके अलावा O6। इसी प्रकार से सुक्रोज के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C12, इसके अलावा H22 और O11, ये सुक्रोज का सूत्र होता है। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था कि इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो ये होता है, तो यहाँ पर ये जो सूत्र लिखा गया है इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए है C6, तो इससे आप लिख सकते हैं C6, इसका मतलब यहाँ पर जो 6 दिया गया ये आपका X है। इसके बाद ध्यान दीजिए ब्रैकेट में दिया गया है H2O, ये ब्रैकेट में हो गया H2O, यहाँ पर है Y, Y की जगह पर आप इसमें लिख सकते हैं 6। ध्यान दीजिए अगर इसका आप गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो 6 कम 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो इस सूत्र को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो कि आपको इसका सामान्य सूत्र बताया गया है कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लूकोज और सुक्रोज ये जो है कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो है कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसे जो हम लोग 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए अब इसे कितने प्रकार से जो है वर्गीकृत करेंगे, तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए आप इसे जो है यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर। इसके अलावा इसे आप जो है वर्गीकृत कर सकते हैं स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर। और तीसरा यहाँ पर इसे वर्गीकृत कर सकते हैं आप अपचयन के आधार पर, अपचयन के आधार पर। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर, इसके अलावा अपचयन के आधार पर। तो यहाँ पर जो आप इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जल अपघटन के आधार पर जो है इसे आप 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए जल अपघटन के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इसके अलावा दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो सैकेराइड, इस प्रकार से। और तीसरा यहां पर होता है पॉलीसैकेराइड, पॉली सैकेराइड। तो यहाँ पर जो है आप इन्हें जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग स्वाद के आधार पर करें तो स्वाद के आधार पर जो है इन्हें 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक होता है आपका शर्करा और दूसरा होता है अशर्करा, शर्करा। इसके अलावा अपचयन के आधार पर भी इन्हें जो है 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक होता है आपका अपचायक शर्कराएं, अपचायक शर्कराएं, और इसके अलावा दूसरा होता है अन अपचायक शर्कराएं, अन अपचायक
शर्कराएं। तो इस प्रकार से जो है इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि जल अपघटन के आधार पर जो है तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताया गया मोनोसैकेराइड, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्हें जो है जल में अपघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये जल में अपघटित नहीं होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज, आप इसमें बता सकते हैं ग्लूकोज। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें गैलेक्टोज, यहाँ पर हो जाएगा आपका गैलेक्टोज, ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड, ये जल में अपघटित नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ओलिगोसैकेराइड की, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है जल अपघटित करने पर, इन्हें जो है जल अपघटित करने पर ये जो है 2 से लेकर 10 तक यहाँ पर मोनोसैकेराइड देते हैं। ये जो है 2 से लेकर 10 तक जो है मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं इन्हें जल अपघटित करने पर ये जो है मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 तक अणु देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे सुक्रोज, जैसे कि सुक्रोज। इसके अलावा बता सकते हैं लैक्टोज, सुक्रोज लैक्टोज। इसके अलावा दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा, ये होते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड। इसके अलावा अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड की बात करें, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इन्हें जो है जल अपघटित करने पर ये जो है मोनोसैकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पर 10 या फिर 10 से अधिक, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है 10 या फिर 10 से अधिक, ये आप लोग याद रखेगा कि 10 से अधिक जो है मोनोसैकेराइड यहाँ पर देते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे आपको ओलिगोसैकेराइड बताया गया था कि ये जल अपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड देते हैं, और ये जो है 10 या फिर 10 से अधिक जो है मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, इन्हें बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे स्टार्च। इसके अलावा बता सकते हैं सेलुलोज, स्टार्च। इसके अलावा सेलुलोज, ये होगा आपका पॉलीसैकेराइड। इसके अलावा आपको बताया गया है स्वाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। अगर शर्करा की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो है क्रिस्टलीय, और इसके अलावा स्वाद में मीठे होते हैं, ये जो है क्रिस्टलीय होते हैं। इसके अलावा जो है स्वाद में मीठे होते हैं और जल में अधिक घुलनशील होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज, जैसे आपका ग्लूकोज। इसके अलावा फ्रक्टोज, ये जो है स्वाद में मीठे होते हैं, इसके अलावा क्रिस्टलीय होते हैं और जल में अधिक घुलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अशर्करा की बात करें तो ये जो है अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसके अलावा जल में कम घुलनशील होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं स्टार्च और इसके अलावा सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज, ये जो है अक्रिस्टलीय होते हैं और जल में कम घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर अपचयन के आधार पर हम लोग बात करें तो अपचायक शर्कराएं जो कि अपचायक के रूप में यूज होती हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज ये जो है अपचायक शर्करा है। इसके अलावा बता सकते हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। इसके अलावा बता सकते हैं लैक्टोज, लैक्टोज। इसके अलावा माल्टोज, ये सभी जो होते हैं ये आपकी अपचायक शर्कराएं होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग अन्य अपचायक शर्कराओं की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो है टॉलेन अभिकर्मक, इसके अलावा फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती हैं। जो अन्य अपचायक शर्कराएं होती हैं ये टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं सुक्रोज, सुक्रोज ये जो है टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है।
तो इस प्रकार से जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। अब इसके बाद नंदी जी, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, या फिर इसे बोला जाता है मॉलिस परीक्षण, यानी कि किसी पदार्थ में आप कार्बोहाइड्रेट की पहचान यानी कि उसका परीक्षण किस प्रकार से करेंगे कि इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको उस पदार्थ का जलीय विलयन लेना है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की पहचान करनी है। सबसे पहले आपको उस पदार्थ का जलीय विलयन लेना है, जलीय विलयन, और इसके साथ आपको लेना है मौलिश अभिकर्मक, मौलिश अभिकर्मक। अब मौलिश अभिकर्मक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मौलिश अभिकर्मक होता है अल्फा नेफ्थाल का जो है एथिल अल्कोहल में 10% विलयन। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अल्फा नेफ्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन, 10% विलयन, ये होता है आपका मौलिस अभिकर्मक। तो जिस पदार्थ में आपको पहचान करनी है उस पदार्थ का जलीय विलयन और मौलिस अभिकर्मक लेना है। इसके बाद जो है इसमें आपको परख नली की दीवार के सहारे मिलाना है सल्फ्यूरिक अम्ल। आप बता सकते हैं इसमें जो है आपको यहाँ पर परख नली की दीवार के सहारे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 इसमें जो है बूंद बूंद करके आपको मिलाना है। तो जब आप बूंद बूंद करके H2SO4 उसमें डालेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा दो परतों के बीच जो है लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है। यहाँ पर जब आप H2SO4 इसमें डालेंगे तो दो परतों के बीच लाल या भूरे रंग, लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, का छल्ला बनता है, और यह जो छल्ला बनता है ये कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, रंग का हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो है इसकी पहचान होती है कि इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो आप बता सकते हैं, तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जो है निश्चित हो जाती है, की उपस्थिति निश्चित हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो याद रखिएगा जिस पदार्थ में आपको कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है सबसे पहले आपको उस पदार्थ का जलीय विलयन और मौलिस अभिकर्मक लेना है। इसके बाद आपको इसमें जो है परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। जब आप इसमें H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पर दो परतों के बीच जो है लाल या भूरे रंग का जो है छल्ला बन जाएगा, जो कि कुछ समय बाद जो है बैंगनी रंग का हो जाता है। तो फिर इससे पहचान हो जाती है कि इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट जो है उपस्थित है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर मौलिक परीक्षण किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, यानी कि ग्लूकोज क्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो है मोनोसैकेराइड श्रेणी का एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। आपको बताया गया है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो कि जो है जल अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ये आपको बताया गया था, ये जो है मोनोसैकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H12, इसके अलावा O6, ये होता है आपका
ग्लूकोज, और इससे डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। याद रखिएगा, इससे जो है डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप इसका संरचना सूत्र ध्यान दीजिए, क्योंकि जो है इसके संरचना सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी अभिक्रियाओं में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसकी संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना के लिए इसकी संरचना जो आप दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन है यहाँ पर टोटल 6। तो यहाँ पर हो जाएगा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, फिर हो जाएगा पाँच, और इसके बाद हो जाएगा 6। तो ये टोटल हो गया 6 कार्बन। इसके अलावा यहाँ पर होता है HO, यानी कि पहले HO समूह जुड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर जुड़ता है HOH इस प्रकार से, इसके बाद फिर यहाँ पर भी होता है HOH, यहाँ पर भी होता है HOH, और इसके अलावा यहाँ पर भी होता है HOH, और फिर लास्ट में यहाँ पर होता है H2OH। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये ग्लूकोज की संरचना होती है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कार्बन टोटल कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एक ये दिया गया है, फिर दो ये दिए गए, यानी कि तीन हो गए, फिर दो है 5, दो 7, दो 9, दो 11 और एक ये 12 हाइड्रोजन, ये आपको बताया गया था। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो सभी में एक एक ऑक्सीजन भी जुड़ा है, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार से जो है आप ग्लूकोज की संरचना बना सकते हैं। इसके अलावा जो है इसे आप दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर है CHO, ये हो जाएगा CHO, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए CHOH यहाँ पर भी है, CHOH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी CHOH और यहाँ पर भी CHOH। तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CHOH का होल 4, इस प्रकार से लिख दीजिए। और इसके अलावा हो जाएगा CH2OH। तो इस प्रकार से जो है आप ग्लूकोज की संरचना जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है आपको बताया गया है कि ये जो है मोनोसैकेराइड, याद रखिएगा ये जो है मोनोसैकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, और इसका निर्माण जो होता है वो सुक्रोज तथा स्टार्च से किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ग्लूकोज का निर्माण जो होता है ये सुक्रोज और स्टार्च से जो है किया जाता है। अब इसके बाद धंधे जी, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे ग्लूकोज के निर्माण की विधियाँ, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा, यहाँ पर जो है सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए सुक्रोज, इसका सूत्र होता है C12H22 यानी कि 22, और इसके अलावा O11, ये होता है सुक्रोज। इसका आपको कराना है जल अपघटन यानी कि H2O, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया है अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय माध्यम को हम लोग प्रदर्शित करेंगे H+ से। तो यहाँ पर जब इसका जल अपघटन होता है तो ये दो अणुओं में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा C6H12O6, और इसके अलावा दूसरा हो जाएगा C6H12O6। इस प्रकार से ये होता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरा होता है फ्रक्टोज, यहाँ पर बनेगा फ्रक्टोज इस प्रकार से, यानी कि सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो यहाँ पर ग्लूकोज और साथ में जो है इसमें फ्रक्टोज बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा, स्टार्च अगर हम लोग प्रयोग करें, मान लीजिए C6H10O5 और यहाँ पर होता है N, ये होता है आपका स्टार्च, इसका जल अपघटन कराना है तो यहाँ पर आपको लेना है H2O, यहाँ पर जल के जो है N अणु लिए जाएंगे, और यहाँ पर भी माध्यम कैसा होगा, अम्ली होगा यानी कि H+। तो यहाँ पर जो है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के फिर N अणु बन जाएंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज। तो इस प्रकार जो है स्टार्च के अम्लीय जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्लूकोज की मुख्य अभिक्रियाएं, इसकी कौन कौन सी जो है मुख्य अभिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बोनिल समूह होता है आपका डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है आपका कार्बोनिल समूह। सबसे पहले आप यहाँ पर इसी की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है कार्बोनिल समूह की, तो सबसे पहली अभिक्रिया इसमें ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज की क्रिया, अगर यहाँ पर ग्लूकोज की क्रिया जो है वो NH2OH की उपस्थित में, NH2OH ये होता है आपका हाइड्रोक्सी एमीन NH2OH, इससे कराएंगे तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोऑक्सिम, यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोऑक्सिम, ये बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा ग्लूकोज को जो है यहाँ पर यानी कि ग्लूकोज की क्रिया अगर NH2OH की उपस्थित में कराई जाएगी तो बनता है ग्लूकोऑक्सिम। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जाम्पल ग्लूकोज यानी कि CHO, यहाँ पर होता है CHOH का होल फोर और फिर होता है CH2OH। अभी आपको ये संरचना बताई गई है, यहाँ पर आपको क्रिया करानी है NH2OH की उपस्थित में, NH2OH की उपस्थित में होगा क्या, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाले दोनों हाइड्रोजन, इसका मतलब इसमें से H2O ये निकल जाएगा और जब यहाँ से H2O निकलेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH, क्योंकि यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गया है और यहाँ से ध्यान दीजिए ये H2 निकल गया, तो ये जो है यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N इसके अलावा OH इस प्रकार से, और बाकी सेम आप लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल फोर और साथ में यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो यहाँ पर ये जो बना है इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्लूकोऑक्सिम, याद रखिएगा इसे बोला जाता है ग्लूकोऑक्सिम और ये आपका होता है ग्लूकोज, ये होती है आपकी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो कार्बोनिल समूह होता है इससे क्रिया होगी। अब ध्यान दीजिए इसी की दूसरी अभिक्रिया, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज की क्रिया जो है हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN की उपस्थित में कराते हैं तो बनता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, इसमें बन जाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर अंदर जो ग्लूकोज यानी कि ये हो जाएगा आपका CHO, आप ऐसा लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O करके, इसके अलावा CHOH का होल फोर हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH इतना होगा। तो यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी अब की बार HCN से, तो होगा क्या यहाँ पर इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा और CN जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये था CH, इसका एक बॉन्ड ये वाला ध्यान दीजिए टूट गया, तो यहाँ पर इसके साथ एक OH जुड़ जाएगा यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और इधर यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा आपका ध्यान दीजिए CN, इतना हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं CHOH का होल फोर और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये अगली अभिक्रिया है यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल की उपस्थित में कराया जाए, यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का जो है
ऑक्सीकरण कराएंगे, और यहाँ पर जो ऑक्सीकरण होगा वो Br2 जल की उपस्थित में यानी कि ब्रोमीन जल की उपस्थित में जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा। तो बनता है इसमें ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जब ब्रोमीन जल से क्रिया कराई जाती है तो इसमें जो है केवल जो CHO समूह होता है यहाँ पर इसी का जो है ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर जो CHO समूह होता है ग्लूकोज में इसका जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि ग्लूकोज यानी कि यहाँ पर हो जाएगा CHO, इसके अलावा होता है CHOH का होल 4 और फिर हो जाएगा CH2OH, इसका आपको कराना है ऑक्सीकरण यानी कि Br2 जल की उपस्थित में। तो जब इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर कराया जाएगा तो यहाँ पर CHO जो है इसका ऑक्सीकरण COOH में हो जाएगा यानी कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर होगा CHOH का होल 4 और साथ में यहाँ पर CH2OH, तो ये जो बना है इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अगर ब्रोमीन जल की उपस्थित में कराया जाएगा तो यहाँ पर बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी दूसरी अभिक्रिया, अगर यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, मान लीजिए यहाँ पर जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो HNO3 की उपस्थित में कराया जाए, अगर इसकी उपस्थित में यहाँ पर कराया जाएगा तो बनता है ग्लूकैरिक अम्ल, तब यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकैरिक अम्ल। और याद रखिएगा यहाँ पर इस क्रिया में जो है CHO और इसके अलावा CH2OH इन दोनों का ऑक्सीकरण जो है COOH में हो जाता है। याद रखिएगा जब आप HNO3 की उपस्थित में ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर CHO समूह और CH2OH इन दोनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं केवल इसका ऑक्सीकरण हुआ है लेकिन यहाँ पर ये जो दिया गया CH2OH इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, ये सेम ऐसे ही लिखा है CH2OH इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ है लेकिन इस क्रिया में CH2OH का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ग्लूकोज जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा CHO, इसके अलावा हो जाएगा CHOH का होल 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कराना है HNO3 के द्वारा, तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो अब की बार यहाँ पर आप इसका और इसका इन दोनों का ऑक्सीकरण होगा तो CHO बदल जाएगा COOH में, इसके अलावा जो दिया गया है आपको CHOH का होल 4, इसके अलावा CH2OH दिया गया ये भी बदल जाएगा COOH में, तो ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं ग्लूकैरिक अम्ल। याद रखिएगा इसका नाम अगर लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सैकेरिक अम्ल, इसे बोला जाता है सैकेरिक अम्ल, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो है CHO इसके अलावा CH2OH इन दोनों का ऑक्सीकरण जो है COOH में हो जाएगा, लेकिन जो पहले अभिक्रिया बताई गई थी इसमें केवल CHO का ही ऑक्सीकरण होता है, CH2OH का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है यहाँ पर ग्लूकोज का अपचयन, ग्लूकोज का अपचयन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्लूकोज का अपचयन जब हम लोग कराएंगे तो इसमें यहाँ पर उत्प्रेरक यानी कि जो अपचायक के रूप में यूज किया जाएगा वो यूज होगा आपका H2Ni, इसकी उपस्थित में जो यहाँ पर ग्लूकोज का अपचयन जो होता है ये सॉर्बिटॉल में हो जाता है, इसका अपचयन जो होगा ये सॉर्बिटॉल में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ग्लूकोज यानी कि CHO, इसके अलावा हो जाएगा CHOH का होल 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ये आपका होता है ग्लूकोज, इसका आपको अपचयन कराना है H2Ni उत्प्रेरक की उपस्थित में। जब इसकी उपस्थित में इसका अपचयन होगा तो जहाँ पर CHO था अब वहाँ पर जो है
ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, इसके अलावा OH, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH OH, ये सेम रहेगा, और इसके अलावा यहाँ पर भी CH2 OH, तो ये जो बना है इसे ही बोलते हैं सॉर्बिटॉल। तो इस प्रकार ग्लूकोज का अपचयन जो है वो सॉर्बिटॉल में हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया आप यहाँ पर पढ़ेंगे अब किण्वन, यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे किण्वन के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है यानी कि C6H12O6, इसकी क्रिया हम लोग जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थित में कराएंगे, यानी कि इसकी क्रिया जो है वो जाइमेज की उपस्थित में कराई जाएगी, और जब जाइमेज की उपस्थित में इसकी क्रिया होती है तो इसमें बनता है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, और साथ में इसमें CO2 गैस भी निकलती है। अगर इसको आप शुद्ध करेंगे यानी कि संतुलित करेंगे तो 2 से यहाँ पर गुणा होगा और 2 से यहाँ पर गुणा होगा, तो इसमें आपका बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसके अलावा ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है यहाँ पर आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है जाइमेज की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल, इसके अलावा CO2 में जो है यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्लूकोज की फिशर संरचना, ये जो है फिशर वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ग्लूकोज की संरचना दी थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 6वां कार्बन। सबसे पहले कार्बन से जुड़ा होता है आपका HO इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर एक तरफ जुड़ेगा आपका OH और दूसरी तरफ जुड़ता है यहाँ पर H, फिर इसके बाद यहाँ पर जुड़ जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर इसके बाद यहाँ पर जुड़ेगा OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा H, इसके अलावा यहाँ पर फिर जुड़ता है OH और फिर यहाँ पर होता है H, इसके अलावा लास्ट में होता है H2OH। तो इसमें टोटल कार्बन आपके हो जाएंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो है यहाँ पर ग्लूकोज की फिशर संरचना होती है, इसे दूसरे प्रकार से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए ध्यान दीजिए किस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसे बनाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक लाइन बना देनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर लाइन बनाने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर होगा आपका CHO, इस जगह पर होगा, और सबसे लास्ट में होगा यहाँ पर CH2OH, इस प्रकार से होगा। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से होगी, फिर इसके बाद एक यहाँ पर होगी, फिर इसके बाद एक हो जाएगी और इसके बाद एक और हो जाएगी इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर जो है इसमें उसी प्रकार से यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर H हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर इधर हो जाएगा H, फिर यहाँ पर हो जाएगा OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा H इस प्रकार से। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर इन सभी पॉइंट पर कार्बन लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर कार्बन है, ये आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर कार्बन को प्रेजेंट नहीं किया गया लेकिन सभी जगह पर कार्बन उपस्थित है, यानी कि अगर आप संख्या गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। तो ये यहाँ पर होती है ग्लूकोज की फिशर संरचना। और इसके अलावा वैज्ञानिक फिशर ने जो है बताया था इसका सही नाम होता है D+ ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज है इसका सही नाम इन्होंने बताया है D+ ग्लूकोज होता है। यहाँ पर डी शब्द क्यों यूज किया गया, वो इसकी विशेष संरचना के कारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले OH फिर H फिर OH फिर OH फिर OH, तो यहाँ पर इस विशेष संरचना के कारण यहाँ पर डी शब्द का यूज किया गया। इसके अलावा प्लस क्यों यूज किया गया, प्लस जो है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवण घूर्णकता के कारण यूज किया गया, डी जो है इसकी विशेष संरचना के कारण और प्लस जो है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवण घूर्णकता के कारण यूज किया गया है। तो इसका सही नाम इन्होंने बताया D+ ग्लूकोज होता है।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या फिर आप बोल सकते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र, इसके लिए ध्यान दीजिए। जो भी आपको संरचना बताई गई है उसमें आपको बताया गया है इस प्रकार से, यहाँ पर एक लाइन होती है, इसके अलावा एक लाइन यहाँ पर हो जाएगी, इसके अलावा दूसरी, फिर यहाँ पर हो जाएगी तीसरी, और इसके बाद यहाँ पर एक और लाइन होगी चौथी। इसके अलावा सबसे ऊपर यहाँ पर होता है आपका CHO, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं CHO को CHO, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया है यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, फिर इसके बाद H, और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, इसके बाद यहाँ पर होगा OH, फिर यहाँ पर H, इसके बाद OH, और फिर H, इसके अलावा यहाँ पर होता है CH2OH, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको बताया गया इन सभी जगह पर कार्बन जो है उपस्थित है, यानी कि यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो जाएंगे। ये अभी आपको बताया गया फिशर संरचना में। तो चक्रीय संरचना में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो ये वाला हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन दिया गया है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल कर इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल कर जो है इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका एक बॉन्ड जो होता है, यानी कि इसका ये जो पाई बॉन्ड होता है, वो यहाँ पर जो है फिर इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। आपको ये बताया गया इसमें कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो एक पाई बॉन्ड है वो आके यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, ध्यान दीजिए किस प्रकार से, यहाँ पर जो है इसमें दो प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित होंगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर है सी, ये आपको दिया गया है इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिया गया, आपको बताया गया इसके साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। इसके अलावा इसका एक बॉन्ड निकल गया, ये आपको बताया गया, तो यहाँ पर ये बचा H, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा सेम लिखिए, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, बाकी आप इस तरह से भी बना सकते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा H, और इधर हो जाएगा OH, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी, इस प्रकार से, इसके बाद OH, फिर यहाँ पर हो जाएगा H, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, और यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, इस प्रकार से। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल गया है, तो अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ पर बचा क्या, अब आपका ये वाला ऑक्सीजन बच गया है, और ये ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर इस वाले पाई बॉन्ड के साथ आके जुड़ गया है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से इसमें बॉन्ड प्रदर्शित कर दीजिए, और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार यहाँ पर ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका छठवां कार्बन। हुआ क्या इसमें, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल कर जो है इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया, और यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड जो है निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है। इसके अलावा दूसरी संरचना जो बनेगी उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो OH समूह और H समूह जुड़े हैं केवल इनकी दिशा बदल जाएगी, यानी कि ये OH इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा और ये वाला H जो है इधर आके जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है C, अब यहाँ पर जो OH था इसकी जगह पर हो जाएगा H, और जहाँ पर H था उस जगह पर आके जुड़ जाएगा यहाँ पर OH, इस प्रकार से। इसके अलावा सेम यहाँ पर कार्बन, इसके बाद OH, फिर यहाँ पर हो जाएगा H, इसके बाद फिर कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा H, इसके बाद OH, फिर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा OH, इसके बाद H, फिर यहाँ पर कार्बन, इधर हो जाएगा आपका H, और यहाँ पर जो है इसमें ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा CH2OH, इस प्रकार से। तो इसमें भी आपके कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों संरचनाएं सेम है, केवल OH और H यहाँ पर बदल गए हैं, जहाँ पर H था वहाँ पर OH कर दिया गया, और जहाँ पर OH था वहाँ पर
एच हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर ये जो संरचना बनी है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इससे बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और जो ये दूसरी संरचना है इससे हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इससे बोला जाता है चक्रीय हेमी एसिटल संरचना। यहाँ पर जो आपको बताई गई ग्लूकोज चक्रीय संरचना, इससे बोला जाता है चक्रीय, नाम याद रखिएगा, चक्रीय हेमी एसिटल, हेमी एसिटल संरचना, ये नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसे हम लोग फिशर प्रक्षेपण सूत्र भी बोलते हैं। अब इसके बाद धनंजय जी अगला है एनोमर या फिर बोलते हैं पायरेनो संरचना या फिर बोला जाता है हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। तो यहाँ पर धनंजय जी इसे हम लोग बोलते हैं पायरेनो संरचना, क्योंकि इसमें जो है पायरेन से समानता होती है। आपका पायरेन किस प्रकार से होता है धनंजय जी? पायरेन जो है इस प्रकार से होता है, यहाँ पर ये होता है, इस प्रकार से होगा, इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर होता है इसमें ऑक्सीजन, इसे हम लोग बोलते हैं पायरेन, इसे बोला जाता है पायरेन। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ये होता है आपका पायरेन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज की संरचना बनेगी वो जो है इस पायरेन के समान होती है, इसलिए इसे हम लोग पायरेनो संरचना भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो है पायरेन से समानता होती है, इसमें जो है पायरेन से समानता होती है, इसलिए इसे हम लोग जो है पायरेनो संरचना बोलते हैं। तो इसके लिए धनंजय में भुजाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये खटभुज दिया गया है। तो धनंजय जी किस प्रकार से आप बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर आप इसी प्रकार से खटभुज बना लीजिए, ये हो जाएगी एक भुजा। इसके अलावा धनंजय जी इस प्रकार से ये हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से ये हो जाएगा, इसको मिला दीजिए और यहाँ पर ये, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये संरचना बनेगी। तो ये यहाँ पर जो है संरचना बन जाएगी और यहाँ पर इसमें होगा ऑक्सीजन, इस जगह पर होता है ऑक्सीजन। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसका एक और फिगर आपको इसी प्रकार से बनाना है, इसके लिए ध्यान दीजिए इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी दूसरी संरचना हो गई है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया, दोनों में अंतर क्या होता है ध्यान दीजिए? यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड इस जगह पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, यानी कि आपके जो कार्बन उपस्थित होंगे, एक कार्बन आपका यहाँ पर होगा, दूसरा कार्बन यहाँ पर होगा, इसके अलावा तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठवां यहाँ पर होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसमें इधर जुड़ता है आपका एच और यहाँ पर जुड़ जाता है ओ एच, इसके अलावा यहाँ पर होता है एच, फिर इसके बाद ओ एच, यहाँ पर होता है ओ एच, इसके बाद एच, फिर यहाँ पर होता है H और फिर यहाँ पर होता है OH, इसके अलावा यहाँ पर होता है H और यहाँ पर होता है CH2OH, इस प्रकार से यहाँ पर ये संरचना बनती है। और जो दूसरी संरचना है सेम इसी प्रकार से होगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहाँ पर धनंजय जी इस प्रकार से बाउंड लगेगा, यहाँ पर ये बाउंड हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर, इसमें भी उसी प्रकार से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठवा यहाँ पर होगा। अंतर क्या होगा धनंजय जी? यहाँ पर इसमें H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर अब की बात इसमें हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा H, बस यही इतना अंतर होता है, बाकी सेम होता है। यहाँ पर H था, यहाँ पर भी इसमें H रहेगा और यहाँ पर OH, इसके अलावा यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर होता है H और यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर उसी प्रकार से H होगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। बस इसमें यहाँ पर जो पहले नंबर का कार्बन होता है इसमें H और OH की दिशा जो है विपरीत है, बाकी सेम पूरा एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इससे बोला जाता है अल्फा डी प्लस
ग्लूकोपाइरेनोस याद रखिएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ग्लूको पाइरेनोश ये होता है, और इससे हम लोग बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोश, ग्लूको पाइरेनोश। इस प्रकार से जो है पाइरेनोश संरचना तैयार की जाती है। बस इन दोनों में OH और एच का अंतर होता है, बाकी दोनों की संरचना जो होती है वो सेम होती है। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H12, इसके अलावा O6, ये जो है फ्रक्टोज का सूत्र होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि फ्रक्टोज का सूत्र और ग्लूकोज का सूत्र दोनों सेम ही होते हैं, और ये जो है ग्लूकोज के साथ मीठे फलों और शहद में मिलता है। इसके अलावा फ्रक्टोज जो होता है ये एक प्रकार का कीटो हेक्सोस होता है, यानी कि अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि यह एक एक कीटो हेक्सोस होता है, कीटो हेक्सोस होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बताया गया कि यह जो है ग्लूकोज के साथ मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। और अगर इसके निर्माण की बात करें यानी कि किस प्रकार से इसे तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा कि औद्योगिक स्तर पर फ्रक्टोज को इनुलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है, यानी कि फ्रक्टोज को जो है इनुलिन का जल अपघटन करके बनाया जाता है। और यहाँ पर जल अपघटन जो है ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई है इनुलिन की, इनुलिन इसका जो है आपको कराना है यहाँ पर जल अपघटन, जल अपघटन। और इसका जल अपघटन जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु HCl की उपस्थित में कराया जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका फ्रक्टोज। तो इस प्रकार जो है इनुलिन का जल अपघटन कराने पर यहाँ पर बनता है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इनुलिन इसका सूत्र होता है C6H10O5 और यहाँ पर होता है होल N। इस प्रकार से इसका आपको कराना है जल अपघटन। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे H2O, यहाँ पर ध्यान दीजिए होल N है, इसलिए यहाँ पर जल के भी आपको N और लेना है। और अब आपको यहाँ पर इसका जल अपघटन जो है तनु HCl की उपस्थित में कराना है। यहाँ पर जो है तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित में जब इसका यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे, यानी कि यहाँ पर इसे जल के साथ आपको क्या करना है, गर्म करना है। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर फ्रक्टोज के जो है N अणु प्राप्त होंगे, यानी कि C6H12O6, यानी कि यहाँ पर जो है फ्रक्टोज के आपको N अणु प्राप्त होंगे। ये आपका है फ्रक्टोज और ये यहाँ पर आपको दिया गया है इनुलिन। तो इनुलिन का जो है यहाँ पर तनु HCl की उपस्थित में जल अपघटन कराने पर फ्रक्टोज बन जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद धन जी फ्रक्टोज की संरचना, तो अभी आपको फ्रक्टोज का सूत्र बताया गया है C6H12, इसके अलावा O6 ये होता है। इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, इसके अलावा 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी खुली श्रृंखला संरचना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें 6 कार्बन जो है सीधी रेखा में जुड़े होंगे, इस प्रकार से इसमें जो है 6 कार्बन एक सीधी रेखा में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। इसके अलावा जो पहला कार्बन होता है यहाँ पर इसके साथ होता है H2OH। इसके अलावा जो लास्ट वाला होता है यहाँ पर भी यही होगा, यानी कि CH2OH। इसके अलावा बीच के जो 4 कार्बन दिए गए हैं इसमें दूसरे कार्बन पर हमेशा आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा, डबल बॉन्ड O। इसके अलावा यहाँ पर होगा H और इधर होगा आपका OH। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर होगा आपका OH और यहाँ पर हो जाएगा H। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये होगा आपका OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा H। इस प्रकार से इसमें जो है टोटल आपके 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5
छह। इस प्रकार से छह कार्बन जो है आपके एक सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसे आप दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर है सी एच टू ओ एच, तो यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू ओ एच, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर है यहाँ पर सी एच ओ एच, फिर चौथे नंबर पर सी एच ओ एच, फिर पांचवें नंबर पर सी एच ओ एच, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं सी एच ओ एच का होल थ्राइस, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से बनेंगे आपके सी एच ओ एच, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हो जाएगा सी एच टू ओ एच, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसकी संरचना बना सकते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर इससे बोला जाता है डी माइनस फ्रक्टोज, इससे बोला जाता है डी माइनस फ्रक्टोज, इस प्रकार से। तो डी यहाँ पर जो है इसकी संरचना के कारण, और माइनस जो है यहाँ पर वाम घूर्णन के कारण, जैसे उसको उसमें बताया गया था दक्षिणी घूर्णक, इसी प्रकार से इसमें होता है वाम घूर्णक, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह प्रयोग कहता है, तो इससे हम लोग बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, फ्यूरेनोस संरचना, तो यहाँ पर जो है इसकी संरचना फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना। फ्यूरान आपका इस प्रकार से होता है, इसमें एक ऑक्सीजन होगा इस प्रकार से यहाँ पर, इसके अलावा जो है इसमें इस प्रकार से संरचना होती है, एक बॉन्ड यहाँ पर होता है और एक बॉन्ड यहाँ पर होता है, इससे हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन, इससे बोला जाता है फ्यूरॉन। तो यहाँ पर फ्रक्टोज की संरचना जो है फ्यूरान जैसी होती है, इसलिए यहाँ पर जो है इसे हम लोग फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं। यहाँ पर एक कार्बन होता है आपका, एक कार्बन यहाँ पर होगा, इसके अलावा एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर, यानी कि टोटल चार कार्बन होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी जो संरचना भी आपको बताई गई है, इसमें आपको बताया गया है सी एच टू होता है, इसके अलावा होता है ओ एच, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर होता है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके बाद होता है सी, यहाँ पर होता है एच, और इधर होता है ओ एच, फिर इसके बाद सी, यहाँ पर हो जाएगा ओ एच, और फिर इधर हो जाएगा एच, इसके अलावा सी, फिर यहाँ पर होगा ओ एच, और फिर यहाँ पर होगा एच, और फिर लास्ट में होता है आपका सी एच टू ओ एच। तो इसमें टोटल कार्बन हो जाएंगे आपके एक दो तीन चार पाँच और छः। इस प्रकार से इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड लगे हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो निकल कर इस ऑक्सीजन के साथ आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएँ जो है बनेंगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपका सी, ये वाला कार्बन, तो इससे आप लिख दीजिए इस प्रकार से, ये हो गया आपका सी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर बचेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो यहाँ पर हो गया है ओ एच। अब इसी कार्बन से आपका ये सी एच टू ओ एच जुड़ा है, इससे भी लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू ओ एच, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, सेम आपको यहाँ पर लिखना है, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर दिया गया है एच, और फिर इसके बाद है ओ एच, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है सी, इधर हो जाएगा आपका ओ एच, और फिर यहाँ पर हो जाएगा एच। इसके अलावा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सी दिया गया है, इधर तो आपका हो जाएगा एच, लेकिन इधर ध्यान दीजिए यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल कर ऊपर जुड़ गया है, और इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन भी यहाँ पर अब बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू ओ एच, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है संरचना बनेगी। इसके अलावा इसमें जो दूसरी संरचना बनती है वो सेम उसी प्रकार से होगी, केवल यहाँ पर ये जो पहला वाला ओ एच और सी एच टू ओ एच है, इसकी दिशा बदल जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो सी था, मान लीजिए आपका ओ एच जो है इधर है, और इधर आपका जुड़ा हुआ है सी एच टू ओ एच, बाकी यहाँ पर सेम होता है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा C, इधर आपका हो जाएगा H, और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, इसके बाद फिर यहाँ पर C OH,
और इधर हो जाएगा आपका एच। इसके बाद वाला जो कार्बन है इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एच, और इधर वाला कार्बन जो है यहाँ पर इस कार्बन वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन था वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो इसमें अगर कार्बन की संख्या आप गिनेंगे तो इस प्रकार से गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी जो संरचना बनती है इससे हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जुड़ा है। वही आपको बताया गया था यहाँ पर ये होता है ऑक्सीजन, इसके अलावा इसमें एक कार्बन यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, और एक यहाँ पर होता है, और ये चारों कार्बन ध्यान दीजिए इस ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये चारों कार्बन जो है इस प्रकार यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जुड़े हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूरेनोस संरचना। ये आप लोग याद रखें क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वो फ्यूरान जैसी होती है। इसलिए इसके अलावा यहाँ पर ये जो बना है अगर इसका नाम बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, इससे बोला जाता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। इससे हम लोग बोलते हैं फ्रक्टो फ्यूरेनोस, ये हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसे आप बता सकते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, यहाँ पर हो जाएगा फ्रक्टो फ्यूरेनोस। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद धंधे जी अगली संरचना यहाँ पर है हावर्थ संरचना। इसके लिए धंधे जी यहाँ पर होता है सबसे पहले एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी संरचना जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगा, इसको आप इस प्रकार से मिला दीजिए, ये हो जाएगा, इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा, और फिर आप इसको मिला दीजिए, इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी संरचना बनेगी। यहाँ पर जो है इसकी दो प्रकार की संरचनाएं आप बना सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर बना लीजिए, इसमें जो है एक बाउंड आपका यहाँ पर होगा, दूसरा बाउंड आपका यहाँ होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी एक बाउंड आपका यहाँ पर होगा, ये बाउंड हो जाएगा, ये बाउंड हो जाएगा, और फिर ये बाउंड हो जाएगा। अगर आप इसमें नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे, नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है आपका CH2OH, और यहाँ पर होता है आपका OH, इसके अलावा यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है H, फिर यहाँ पर होता है H, और यहाँ पर OH, इसके अलावा यहाँ पर होता है इसमें CH2OH, ये होता है, और यहाँ पर होता है आपका H, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसमें एक कार्बन तो आपका ये होगा, यहाँ पर ये होगा आपका पहला कार्बन, इस जगह पर होगा आपका दूसरा कार्बन, इस जगह पर तीसरा कार्बन, यहाँ पर होगा चौथा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा आपका पांचवा कार्बन, और ये हो जाएगा आपका छठवां कार्बन। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी संरचना बनेगी। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए अंतर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH2OH जो ऊपर जुड़ा है और यहाँ पर OH, इसकी दिशा बदल जाएगी, बस यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, बाकी यहाँ पर सेम उसी प्रकार से OH और यहाँ पर हो जाएगा H, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा OH, और इसके बाद यहाँ पर जो है ये होगा आपका CH2OH, इतना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा H। अगर आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो ये आपका होगा पहला कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा, इस जगह पर चौथा कार्बन होगा, यहाँ पर पांचवा कार्बन होगा, और ये आपका छठवा कार्बन हो जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग बोलते हैं हावर्थ संरचना। तो ये जो है फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना होती है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है, यहाँ पर CH2OH ऊपर लगा होता है, OH नीचे होता है, और यहाँ पर OH ऊपर होता है, CH2OH होता है, बाकी दोनों संरचनाएं जो है सेम होती हैं। अब इसके बाद धंधे जी फ्रक्टोज की
फेनिल हाइड्राजिन से अभिक्रिया, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तो इसे जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बात हुई है फ्रक्टोज की, यानी कि ये हो जाएगा CH2OH। इसके अलावा आपको बताया कि दूसरे नंबर पर होता है सी डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद होता है CHOH का होल थ्राइस, और फिर लास्ट में होता है यहाँ पर CH2OH। इस प्रकार से इसकी क्रिया आपको करानी है फेनिल हाइड्राजिन से। फेनिल हाइड्राजिन आपका होता है C6H5NH2, ये होता है आपका फेनिल हाइड्राजिन। तो यहाँ पर जब इससे आप अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाले आपके हाइड्रोजन, यानी कि इसमें से H2O ये निकल जाएगा, और जब यहाँ से H2O निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये था आपका CH2OH, इसके बाद C डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिए यहाँ से ये अब ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, तो अब ये यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए ये आपको N दिया गया, ये हो जाएगा N। इसके बाद ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर एक और N है, इसे भी आप लिख दीजिए इस प्रकार से N। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है H, ये हो जाएगा आपका H। इसके बाद C6H5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C6H5, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में CH2OH। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो है इसकी क्रिया आपको दोबारा से करानी है, यानी कि यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज फेनिल हाइड्राजिन। इसकी क्रिया अगर हम लोग दोबारा यहाँ पर फेनिल हाइड्राजिन से करा दें, तो अब ध्यान दीजिए फेनिल हाइड्राजिन यानी कि C6H5NH, यहाँ पर हो जाएगा NH2। इस प्रकार से तो जब यहाँ पर इससे दोबारा कराई जाएगी क्रिया, तो अब की बार क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए ये निकलेगा आपका C6H5, इसके अलावा NH2 ये निकल जाएगा आपका C6H5, इसके अलावा NH2, और इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका निकलेगा NH3, यहाँ पर जो है आपका NH3 भी निकल जाएगा। NH3 का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो H2 लगा है, यहाँ से H2 और इसके अलावा ध्यान दीजिए ये NH था, तो यहाँ पर H2 जब आके जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका NH3, ये भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ से H2 निकल गया, तो ये हो गया है आपका CHO, ये वाला H2 जो है आपकी बार यहाँ पर निकल गया है ये वाला, तो ये हो गया CHO। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड, बाकी जो दिया गया उसी प्रकार आप लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा NH, इसके अलावा C6H5, इतना हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, इसके बाद हो जाएगा CH2OH, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इसकी क्रिया हम लोग फिर से फेनिल हाइड्रोजन से कराएंगे, यानी कि यहाँ पर अब इसकी क्रिया जो है आपको दोबारा से फेनिल हाइड्रोजन से करा देनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5, इसके अलावा NH, यहाँ पर हो जाएगा NH2। इस प्रकार से जब यहाँ पर दोबारा से इससे क्रिया कराई जाएगी, तो अब की बार क्या होगा, अब की बार यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला H2, इसका मतलब H2O, ये निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका C, इसके अलावा यहाँ पर है H। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अब हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसके अलावा जैसे यहाँ पर जुड़ा था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका N, इसके अलावा दूसरा N हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर दिया गया है एच, और इसके अलावा C6H5, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए C जैसे दिया गया था यहाँ पर डबल बॉन्ड NH C6H5, इतना हो जाएगा। इसके अलावा CHOH का होल थ्राइस, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH, यहाँ पर जो बना है इससे बोलते हैं फ्रक्टोसा जोन, इससे बोला जाता है फ्रक्टोसा जोन। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अमीनो अम्ल के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा
कि एमिनो अम्ल के बहुत सारे अणु मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एक NH2 समूह और दूसरा जो है यहाँ पर COOH समूह, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक एमिनो समूह और दूसरा इसमें जो है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसके बहुत सारे अणु मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये जो है प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि यह जो है प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। एमिनो अम्ल में जो है NH2 समूह, इसमें जो है एक एमिनो समूह और दूसरा यहाँ पर जो है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो उपस्थित होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो है अम्ल के एल्किल मूलक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है अम्ल के एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप एमिनो समूह द्वारा जो है विस्थापन पर बनते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर आप ले लीजिए CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है आपका CH3, ये आपका होता है एल्किल मूलक। यहाँ पर ये जो है एल्किल मूलक बताया गया था आपको, एल्किल मूलक के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप। तो यहाँ से जो है इसमें से आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस जगह से एक हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर इसकी क्रिया होगी NH2 से, तो जब इससे क्रिया होगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका इसमें से निकलेगा। ये आपको बताया गया, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका H निकल जाएगा और यहाँ पर जो NH2 है वो इसकी जगह पर आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बचा है आपका CH2, पहले यहाँ पर H3 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो गया यानी कि निकल गया। और इसके अलावा यहाँ पर अब आके जुड़ जाएगा आपका NH2, ये जुड़ गया। और इसके अलावा यहाँ पर बचा हुआ है आपका COOH, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर बन जाएगा आपका एमिनो एसिड, इसका नाम याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिटिक अम्ल। आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर एमिनो एसिटिक, एमिनो एसिटिक अम्ल, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर NH2 समूह की स्थिति के आधार पर। तो याद रखिएगा कि NH2 समूह की स्थिति के अनुसार जो है इन्हें अल्फा, बीटा और गामा इत्यादि एमिनो अम्ल में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है R, इसके अलावा है CH, फिर यहाँ पर है COOH, और यहाँ पर ये जो CH है इससे आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये NH2 जो है इस CH से जुड़ा है, और ये CH ध्यान दीजिए किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर COOH से। इसका मतलब ये यहाँ पर जो है अल्फा कार्बन परमाणु है, ये जो है यहाँ पर अल्फा कार्बन परमाणु है। तो ये NH2 समूह जो है यहाँ पर इस अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसे बोला जाता है अल्फा एमिनो अम्ल। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें NH2 समूह जो होता है ये अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसे बोला जाता है अल्फा एमिनो अम्ल। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए यूज किया गया है R, आप R की जगह पर यूज कर सकते हैं H, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके अलावा COOH, ये होता है आपका अल्फा कार्बन परमाणु। तो इसी से आपका NH2 समूह जो है जुड़ा होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर ये दिया गया है R, इसके बाद है CH, फिर यहाँ पर दिया गया है CH2, इसके बाद है COOH, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब की बार यहाँ पर ये COOH है, इसके बाद वाला कार्बन ये होगा अल्फा, इसके बाद वाला कार्बन होगा बीटा। तो यहाँ पर जो NH2 समूह होता है वो इस पर जुड़ा होता है, यानी कि NH2 समूह यहाँ पर जो है इस बीटा कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसे बोला जाएगा बीटा एमिनो अम्ल, इसे बोला जाएगा बीटा
एमिनो अम्ल। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप आर की जगह पर यूज कर सकते हैं एच का। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा सी एच, यहाँ पर हो जाएगा सी एच टू, और इसके बाद हो जाएगा सी डबल ओ एच। तो यहाँ पर ये आपका होता है अल्फा और ये होता है बीटा। तो यहाँ पर जुड़ा होता है इसमें एन एच टू समूह, तो इससे बोला जाता है बीटा एमिनो अम्ल। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए तीसरा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है आर, इसके बाद है सी एच, फिर है सी एच टू, और इसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया सी एच टू, फिर यहाँ पर है सी डबल ओ एच, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक समूह है सी डबल ओ एच, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा, फिर ये हो जाएगा आपका बीटा और ये होगा गामा। तो अब की बार यहाँ पर एन एच टू समूह जुड़ेगा इस जगह पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका गामा कार्बन परमाणु दिया गया है और इससे आपका यहाँ पर एन एच टू समूह जुड़ा है, इसलिए इससे बोला जाता है गामा एमिनो अम्ल। याद रखिएगा इससे बोला जाएगा गामा एमिनो अम्ल। इसी प्रकार से आप आर की जगह पर यूज कर सकते हैं एच का। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा सी एच, फिर हो जाएगा सी एच टू, इसके बाद हो जाएगा सी एच टू, और फिर होता है सी डबल ओ एच, इस प्रकार से। इसमें आपका ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा और ये होता है गामा, और यहाँ पर जुड़ता है आपका एन एच टू समूह, इसलिए इसे बोला जाता है गामा एमिनो अम्ल। इसीलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया था कि एन एच टू समूह की स्थिति के आधार पर, यानी कि जब एन एच टू समूह अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इससे बोला जाता है अल्फा एमिनो अम्ल, जब एन एच टू समूह बीटा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसे बोला जाता है बीटा एमिनो अम्ल, और जब एन एच टू समूह गामा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इससे बोला जाता है गामा एमिनो अम्ल। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इस प्रकार जो है एन एच टू समूह की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो है एमिनो अम्ल का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए उदासीन एमिनो अम्ल, इसमें जो है एक एमिनो और एक जो है कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि उदासीन एमिनो अम्ल में एक एमिनो और एक ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप बता सकते हैं एन एच टू, इसके अलावा सी एच टू, और यहाँ पर होता है सी डबल ओ एच, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका एन एच टू समूह होता है और ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो इसमें एक एन एच टू समूह होता है और एक ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो जो एन एच टू समूह होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें एक एन एच टू समूह होता है, उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और एक ही कार्बोक्सिलिक समूह होता है, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इसलिए यहाँ पर ये यह हो जाता है उदासीन, इसीलिए इसे बोलते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप नाम बता सकते हैं ग्लाइसिन, इसे बोला जाता है ग्लाइसिन, या फिर आप बोल सकते हैं एमिनो एसिटिक अम्ल, या फिर इससे बोला जाता है एमिनो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है एक ही एन एच टू समूह और एक ही जो है सी डब्ल्यू एच समूह उपस्थित होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला अगला यहाँ पर है अम्लीय एमिनो अम्ल। तो इसमें जो है आपका एक एमिनो और दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो है आपका एक एमिनो और दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर होता है एन एच टू, इसके बाद होता है सी एच, फिर सी डबल ओ एच, और इसके अलावा यहाँ पर होता है सी एच टू, और फिर यहाँ पर होता है सी डबल ओ एच, इस प्रकार से। तो अब की बार ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका एक एन एच टू समूह है और आपके कार्बोक्सिलिक समूह दो हैं, एक ये है और एक ये दिया गया है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह दो हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो एन एच टू समूह होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और जो सी डबल ओ एच समूह होता है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति वाले ध्यान दीजिए दो दिए गए हैं
और क्षारीय प्रकृति वाला एक है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो प्रकृति हो जाती है वो हो जाती है अम्ली, इसीलिए इसे बोला जाता है अम्ली एमिनो अम्ल। इसमें एक एमिनो और दो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और इससे बोला जाता है एस्पार्टिक अम्ल, इसका नाम आप लिख सकते हैं, इससे बोला जाता है एस्पार्टिक अम्ल, या फिर आप बोल सकते हैं इससे बोला जाता है अल्फा एमिनो सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें एक एमिनो और दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। इसके बाद गंदगी तीसरा यहाँ पर क्षारीय एमिनो अम्ल, इसमें जो है आपके दो एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जैसे कि इसमें होता है आपका NH2, इसके बाद होता है CH2 का होल 4, इसके अलावा CH, फिर होता है आपका NH2 और फिर इसके बाद होता है COOH। तो यहाँ पर रंदी जी इसमें आपका ये एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यहाँ पर ये एक ही होता है। इसके अलावा अगर NH2 समूह की बात करें तो एक ये दिया गया है और एक NH2 समूह आपको ये दिया गया है। तो इसमें आपके एमिनो समूह दो होते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह एक होता है। एमिनो समूह की प्रकृति क्षारी होती है और कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति अम्ली होती है। तो अम्ली प्रकृति वाला एक है और क्षारी प्रकृति वाले दो हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रकृति हो जाती है क्षारी, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा और इसका नाम याद रखिएगा लाइसिन होता है, इससे बोला जाता है लाइसिन, या फिर आप बता सकते हैं इससे बोला जाता है अल्फा बीटा डाई एमिनो कैप्रोइक अम्ल। तो ये नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो है इन्हें तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उदासीन एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल, इसके अलावा क्षारीय एमिनो अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए भौतिक गुण, तो इसमें धंधे जी बताया गया कि एमिनो अम्ल जो है क्रिस्टली ठोस होते हैं, ये आप लोग याद रखेगा कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो क्रिस्टली ठोस होते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि ये रंगहीन भी होते हैं, यहाँ पर ये भी याद रखेगा। इसके अलावा ये जो है स्वाद में मीठे होते हैं, यानी कि इनका स्वाद जो होता है वो मीठा होता है। और ये जो है जल में विलेय किंतु एल्कोहल में जो है कम विलेय होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर कारण बताना चाहें तो आप बता सकते हैं इसमें, क्योंकि ये द्विध्रुव आयन, या फिर आप बोल सकते हैं ज्विटर आयन, द्विध्रुव आयन, या फिर आप बोल सकते हैं ज्विटर आयन, या फिर बोला जाता है आंतरिक लवण बनाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है जल में विलय किंतु अल्कोहल में कम विलय होते हैं, क्योंकि ये जो है द्विध्रुव आयन, या फिर बोल सकते हैं ज्विटर आयन, या फिर आंतरिक लवण बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंद जी मान लीजिए यहाँ पर है R, इसके बाद है CH2, फिर यहाँ पर दिया गया COOH, और यहाँ पर है आपका NH2, ये होता है आपका एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर जो इसका NH2 समूह होता है इसमें जो है प्रोटॉन लेने की क्षमता होती है, NH2 समूह में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और जो आपका COOH समूह होता है इसमें प्रोटॉन देने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर इसका ये वाला हाइड्रोजन जो है इस NH2 के पास चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब क्रिया होगी तो यहाँ पर ये बनेगा आपका R, इसके अलावा CH2, यहाँ पर COO, यहाँ से ये H निकल गया तो यहाँ पर हो गया फिर माइनस। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर था NH2, यहाँ पर हो जाएगा NH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस,
और माइनस दोनों प्रकार के आयन बनते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आयन, या फिर इन्हें बोला जाता है ज्विटर आयन, या फिर आप बोल सकते हैं आंतरिक लवण। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे आप बोल सकते हैं ज्विटर आयन, द्विध्रुव आयन, या फिर आप बोल सकते हैं आंतरिक लवण, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आयन यहाँ पर बनते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इनके गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, और गलनांक पर ये थोड़ा सा जो है अपघटित भी हो जाते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रासायनिक गुण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। तो एमिनो अम्ल में आपको बताया गया है कि एक एमिनो समूह और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगी। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है R, इसके अलावा है CH, फिर यहाँ पर है COOH, और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है NH2, तो ये होता है आपका एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर इसका जो COOH समूह है इसकी अभिक्रियाएं यहाँ पर होंगी। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग NaOH से करा दें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो यहाँ पर जो COOH है इसका ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला OH इतना निकलेगा, यानी कि इसमें से आपका H2O ये निकल जाएगा, और जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा आपका R, इसके अलावा यहाँ पर है CH, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा COO, यहाँ से ये H निकल गया और यहाँ से ये OH निकल गया, तो ये वाला Na जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Na, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये क्रिया होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं R, इसके बाद है CH, फिर यहाँ पर है COOH, और फिर यहाँ पर है NH2। तो अगर यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग एथिल एल्कोहल से करा दें, यानी कि C2H5OH से करा दें, तो यहाँ पर इसका COOH समूह क्रिया करेगा, तो इसमें भी यहाँ से इसका ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला OH निकलेगा, इसका मतलब इसमें से भी यहाँ पर H2O आपका निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ये आएगा आपका R, इसके बाद हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा COO। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, तो ये C2H5 इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 इस प्रकार से, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NH2 इस प्रकार से, यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है R, इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH, और फिर यहाँ पर जो COOH है इसे आप ऐसा लिख सकते हैं C OOH करके, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हम लोग अपचयन कराएंगे, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराया जाएगा तो यहाँ पर चार जो है नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे। यहाँ पर जब क्रिया होगी तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ेंगे और दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन, यानी कि इसमें से आपका H2O ये तो निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा R, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CH, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए दो हाइड्रोजन जुड़ गए आके, तो ये हो जाएगा CH2, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा OH, और फिर यहाँ पर ये लग जाएगा आपका NH2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इनमें जो NH2 समूह था इससे कहीं भी अभिक्रिया नहीं हुई है, सेम उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, इनमें जो अभिक्रिया हुई है वो केवल COOH समूह से हुई है, इसीलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए NH2 समूह की अभिक्रियाएं, यानी कि अब जो क्रिया होगी इसमें आपका NH2 समूह क्रिया करेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको दिया गया है R CH, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए NH2 और यहाँ पर लिख दीजिए आप COOH इस प्रकार से। इसकी क्रिया यहाँ पर हम लोग कराएंगे CH3COCl से, इससे क्रिया कराई जाएगी। तो ध्यान दीजिए होगा कि आपकी बार यहाँ पर NH2 समूह आपका क्रिया करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला Cl निकलेगा, इसका मतलब इसमें से आपका HCl ये निकल जाएगा, और जब यहाँ से ये वाला HCl निकल जाएगा तो यहाँ पर ये है R, इसके अलावा ध्यान दीजिए CH, तो यहाँ पर हो जाएगा CH, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा NH, पहले 2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, इसके अलावा ये जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा
CO CH3 इस प्रकाश, और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है COOH। अब की बार ध्यान दीजिए, इसमें COOH समूह उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अभिक्रिया हुई है आपकी NH2 समूह से। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं R, इसके बाद CH और फिर यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर दिया गया है COOH। इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हम लोग क्रिया कराते हैं HNO2 से। तो जब इससे कराई जाएगी क्रिया का तो होगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा। इसका मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन आपका इधर आके जुड़ जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, इसके अलावा अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा है वो आके आपका इधर जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए इसमें से आपका ये N2 निकलेगा, इसके अलावा H2O निकलेगा और यहाँ पर बचा है अब आपका R, इसके अलावा यहाँ पर है CH, फिर यहाँ पर OH आके जुड़ गया इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है COOH। इस प्रकार से यहाँ पर इस NH2 समूह से क्रिया होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं R, इसके बाद है CH, फिर यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर दिया गया है COOH। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग NOCl से करा दें, इसकी क्रिया यहाँ पर जो हम लोग NOCl से कराएंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, उसी प्रकार से यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से ये टूटेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक ऑक्सीजन जो है वो इधर जुड़ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जो ये Cl दिया गया है वो इधर आके जुड़ेगा और यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया गया है वो इस नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से आपका नाइट्रोजन निकलेगा, साथ में यहाँ पर H2O यानी कि जल निकलेगा और यहाँ पर जो बचा है यानी कि ये हो जाएगा R, इसके अलावा CH और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा COOH। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएँ दिखाई गई हैं इसमें NH2 समूह से केवल अभिक्रियाएँ हुई हैं, इसमें COOH से कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं NH2 समूह की रासायनिक अभिक्रियाएँ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपयोग यानी कि एमिनो अम्ल का उपयोग क्या है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका उपयोग जो है प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है, प्रोटीन के निर्माण में। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इसका उपयोग जो है हार्मोन्स के निर्माण में किया जाता है, हार्मोन्स के निर्माण में। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में, के निष्कर्षण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में, तो इसके बारे में बताया गया कि जब किसी एक यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह की दूसरे यौगिक के एमिनो समूह के साथ क्रिया होती है तब जो उत्पाद बनता है उससे बोला जाता है एमाइड, उससे बोला जाता है एमाइड। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है आर, इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर दिया गया है ओ एच, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ पर इसकी क्रिया जो होगी वो ध्यान दीजिए एमिनो समूह के साथ, तो यहाँ पर लिखिए आप R, इसके अलावा NH2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं NH और यहाँ पर ये H, तो ये हो जाएगा आपका NH2, इससे आप मान लीजिए R डैश इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया था कि एक यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह, ये एक यौगिक है इसका ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH और दूसरे यौगिक के एमिनो समूह यानी कि ये NH2, इसकी जब क्रिया होती है तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है उससे बोला जाता है एमाइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए होगा क्या, इसमें जो है यहाँ से आपका ये वाला OH और यहाँ से ये H, इसका मतलब इसमें से H2O ये निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर है R, इसके अलावा C, यहाँ पर दिया गया है डबल बॉन्ड O, इसके बाद ध्यान दीजिए ये इधर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर ये है NH, N
एच, और इसके अलावा यहाँ पर है आर डैश। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो उत्पाद बना है आपका, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है आपको सिंगल बॉन्ड सी, इसके अलावा यहाँ पर ये ओ, और इसके अलावा एन, और ये दिया गया है एच। तो इस उत्पाद का ये जो भाग होता है, ये इसका सक्रिय भाग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एमाइड बंध। ये आप लोग याद रखिएगा, सी ओ एन एच, इसे ही बोला जाता है एमाइड बंध। और इस एमाइड बंध को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बंध। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे बोला जाता है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो वही यहाँ पर बताया गया कि अतः एमाइडो में रासायनिक रूप से सक्रिय भाग यानी कि सी ओ एन एच होता है। इस प्रकार के एमाइड बंध को जो है पेप्टाइड बंध कहते हैं, और एमिनो अम्ल के परस्पर संगठन से जो है यहाँ पर बने उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन क्या होती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से मिलकर बनने वाला जो है एक बहुलक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड, या फिर बोल सकते हैं आप अल्फा एमिनो अम्ल की इकाइयों से मिलकर बनने वाला जो है एक बहुलक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये उच्च भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये उच्च भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, और एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, या फिर आपको बताया गया कि आप बता सकते हैं कि प्रोटीन जो है ये अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से मिलकर बनने वाला जो है एक बहुलक होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग प्रोटीन के स्रोत की बात करें, यानी कि प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो आप बता सकते हैं दाल, इसके अलावा मटर, इससे प्रोटीन प्राप्त होती है, इसके अलावा दूध, दही, इसके अलावा पनीर, इन सभी से जो है हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं मांस, इससे भी प्रोटीन मिलता है, इसके अलावा अंडा, मछली, इन सभी से जो है प्रोटीन मिलता है। तो ये आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं आदि। इसके अलावा किसमें जो है प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि अगर हम लोग मांस की बात करें तो मांस में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, इसके अलावा अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, इसके अलावा जो है गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूध में प्रोटीन की मात्रा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ये आपको रटे होने चाहिए। सोयाबीन की दाल, इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग मांस की बात करें तो मांस में लगभग जो है 22% यानी कि 22% जो है यहाँ पर प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर अंडे की बात करें तो अंडे में जो है 14% प्रोटीन होती है। इसके अलावा अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में जो है 12% प्रोटीन होती है। इसके अलावा दूध में 4% प्रोटीन होती है, और जो सोयाबीन की दाल होती है इसमें जो है 54% प्रोटीन होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होती है वो सोयाबीन की दाल में होती है। अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन की दाल का यूज कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण जो है कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण जो है वो तीन प्रकार से किया जा सकता है। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आप तीन प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप प्रोटीन का वर्गीकरण जो है आणविक संरचना के आधार पर कर सकते हैं, इसके अलावा जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर कर सकते हैं, इसके अलावा इसका वर्गीकरण जो है कार्य के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको बताया गया कि आप इसका वर्गीकरण जो है आणविक संरचना के आधार पर कर सकते हैं। तो पहला आप बता सकते हैं इसमें आणविक संरचना के आधार पर, आणविक
संरचना के आधार पर आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बता सकते हैं इसमें जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर। इसके अलावा तीसरा आप बता सकते हैं कार्य के आधार पर। तो तीन प्रकार से आप इनका वर्गीकरण जो है कर सकते हैं, कार्य के आधार पर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है आणविक संरचना के आधार पर। अगर इसके आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं तो इसके आधार पर दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। एक होते हैं आपके रेशेदार या फाइबर प्रोटीन, याद रखिएगा रेशेदार या फाइबर प्रोटीन। इसके अलावा अगर दूसरा हम लोग यहां पर बात करें तो आप बता सकते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, याद रखिएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इस प्रकार से तो यहाँ पर आणविक संरचना के आधार पर जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक है आपका रेशेदार या फाइबर प्रोटीन और दूसरा है गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अगर रेशेदार या फाइबर प्रोटीन की बात करें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु जो है वो पास पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं उन्हें बोला जाता है फाइबर या फिर रेशेदार प्रोटीन। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनमें रेशे के समान अणु जो है वो पास पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं उन्हें रेशेदार प्रोटीन बोला जाता है और ये जो है जल में आविलेय होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे किरेटिन। इसके अलावा आप दूसरा बता सकते हैं फाइब्रियान। ये जो है आपके रेशेदार या फिर फाइबर प्रोटीन होते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग गोली प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के प्रोटीन में जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है अपने चारों ओर इस प्रकार से लिपटी हुई होती है कि संपूर्ण प्रोटीन जो है वो गोलाकार हो जाती है, इसलिए इन्हें जो हम लोग गोली प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो है जल में विलेय होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये प्रोटीन जो है जल में विलेय होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि एंजाइम। इसके अलावा बता सकते हैं हार्मोन, ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो एंटीबॉडी, ये सभी जो होते हैं आपके गोली या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर। तो इसके आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग याद रखिएगा सरल प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप लोग याद रखिएगा संयुग्मी प्रोटीन। और तीसरा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर सरल प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है सरल प्रोटीन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे ग्लूटेनिन, ये आपका जो है सरल प्रोटीन है। इसके अलावा बता सकते हैं प्रोलेमिन, ये होता है आपका
सरल प्रोटीन, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बता सकते हैं आप ऑक्सीजेनिन, ये जो है आपके सरल प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा एल्बुमिन, ये भी आपका सरल प्रोटीन होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए संयुग्मी प्रोटीन, अगर इसकी बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त जो है अप्रोटीनीय भाग भी प्राप्त होते हैं, उन्हें बोला जाता है संयुग्मी प्रोटीन। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि वे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ जो है अप्रोटीनीय भाग भी प्राप्त होते हैं, उन्हें बोला जाता है संयुग्मी प्रोटीन। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन ये जो है आपका संयुग्मी प्रोटीन है। इसके अलावा अगर व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो है सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार अथवा एंजाइम द्वारा जो है आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर अगर हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो है सरल अथवा संयुग्मी, जो आपको बताए गए हैं पहले, तो सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार अथवा एंजाइम द्वारा जो है आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि प्रोटियोस, यहाँ पर हो जाएगा प्रोटियोस। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें पेप्टोन, पेप्टोन ये आपका जो है व्युत्पन्न प्रोटीन है, तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब अगर यहाँ पर हम लोग कार्य के आधार पर बात करें तो कार्य के आधार पर जो है इन्हें 7 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा कार्य के आधार पर इन्हें जो है संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। इसके अलावा दूसरा आप इसमें बता सकते हैं संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन। इसके अलावा तीसरा आप इसमें बता सकते हैं एंजाइम, एंजाइम। इसके अलावा चौथा आप यहाँ पर बता सकते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स। इसके अलावा पांचवा आप बता सकते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। यहाँ पर याद रखिएगा एंटीबॉडी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी के अतिरिक्त जो है यहाँ पर इसे आप बोल सकते हैं रक्षक प्रोटीन, एंटीबॉडी या फिर आप बोल सकते हैं रक्षक प्रोटीन। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं रक्त प्रोटीन, रक्त प्रोटीन। और इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर टॉक्सिन, टॉक्सिन। तो यहाँ पर कार्य के आधार पर जो है ने 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसमें संरचनात्मक प्रोटीन की बात करें तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो है रेशेदार प्रोटीन है, ये आप लोग याद रखिएगा कि संरचनात्मक प्रोटीन के बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो है रेशेदार प्रोटीन है। जैसे कि आप बता सकते हैं कोलेजन, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें कोलेजन, ये जो है आपकी संरचनात्मक प्रोटीन है, आप बता सकते हैं कोलेजन। इसके अलावा अगर संकुचित प्रोटीन की बात करें तो ये जो है मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं, ये प्रोटीन जो है ये मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। अगर यहाँ पर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि मायोसिन, मायोसिन ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर एंजाइम की बात करें तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन के ये वे समूह होते हैं जो जैवी उत्प्रेरक होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है जैवी उत्प्रेरक होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि ट्राइसिन, जैसे कि आप बता सकते हैं ट्राइसिन। इसके अलावा बता सकते हैं पेप्सिन, ये सब जो है एंजाइम होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन के ये समूह जो है वाहक का कार्य करते हैं, प्रोटीन के ये समूह यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं ये वाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो आप बता सकते हैं इंसुलिन, इंसुलिन ये जो है हार्मोन्स हैं।
इसके अलावा अगर एंटीबॉडी की बात करें तो आप बता सकते हैं कि जब शरीर पर रोगाणु जो है आक्रमण करते हैं तो बाहरी प्रोटीन या फिर एंटीजन जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं जो आक्रमणकारी स्पीसीज को शरीर से हटाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन, रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग रक्त प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन जो है रक्त में उपस्थित होती हैं, जैसे कि एल्बुमिन, आप बता सकते हैं जैसे कि एल्बुमिन, ये जो है रक्त में उपस्थित होती हैं एल्बुमिन। और इसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन एवं फाइब्रिनोजन, ये सभी जो है रक्त प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा अगर टॉक्सिन की बात करें तो ये जो है विषैली प्रकृति की होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं सांप के विष में, ये जो है सांप के विष में होती है प्रोटीन, सांप के विष में जो है टॉक्सिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रोटीन के कार्य, यानी कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि इसका कार्य जो है पेशियों का निर्माण करना होता है, यानी कि पेशियों के निर्माण करने में यहाँ पर इसका यूज होता है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों को सुधार करने के लिए जो है ये कार्य करता है। इसके अलावा एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण ये करता है। इसके अलावा रक्त व शरीर की अन्य द्रवों की पीएच का नियंत्रण जो है प्रोटीन करता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद धंधे जी, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया कि न्यूक्लिक अम्ल जो है अति उच्च अणुभार वाले वृहत अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं, ये जो है जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। और जीवों की आनुवंशिक सूचना जो है न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ये मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग याद रखिएगा, पहला होता है DNA और दूसरा होता है आपका यहाँ पर RNA। तो यहाँ पर ये जो DNA है इसका मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। इसके अलावा दूसरा होता है RNA जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इससे बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आप लोग याद रखेगा कि न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक DNA और इसके अलावा एक होता है RNA। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के जो है तीन तीन मूल घटक होते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों के तीन मूल घटक होते हैं, के तीन मूल घटक होते हैं, मूल घटक हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक आप लोग याद रखिएगा,
एक होता है आपका पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। इसके अलावा दूसरा होता है कार्बनिक क्षारक, कार्बनिक क्षारक। और तीसरा आप लोग याद रखेगा फास्फेट समूह, तीसरा होता है फास्फेट समूह। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के तीन मूल घटक होते हैं, पेंटोस शर्करा, कार्बनिक क्षारक, इसके अलावा फास्फेट समूह, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर RNA की बात करें तो RNA में जो है राइबोस शर्करा होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है राइबोस शर्करा होती है, RNA में राइबोस शर्करा होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग DNA की बात करें तो DNA में जो है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, ये होती है आपके DNA में। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग क्षारक की बात करें, इसमें क्षारक, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका DNA होता है इसमें आपके चार प्रकार के क्षारक होते हैं, DNA में जो है आपके चार प्रकार के क्षारक होते हैं। एक होता है आपका एडेनिन, पहला होता है आपका एडेनिन, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है आपका ग्वानीन, ग्वानीन। इसके अलावा तीसरा होता है साइटोशीन, साइटोशीन, ये होता है आपका तीसरा। और इसके अलावा चौथा क्षारक होता है इसमें थाइमीन, चौथा क्षारक जो होता है वो होता है आपका थाइमीन। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग RNA की बात करें तो RNA में जो है ये तीनों क्षारक तो सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपको ये बताया गया है एडेनिन, इसके अलावा ग्वानीन और ये साइटोसिन, यानी कि पहले के तीनों क्षारक जो है दोनों में सेम होते हैं। इसमें चौथा आपका होता है यूरेसिल, चौथा इसमें आपका था थाइमीन और इसमें होता है आपका यूरेसिल। तो इन दोनों के अगर क्षारक की बात करें तो याद रखिएगा दोनों में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों में होते हैं। इसके अलावा चौथा जो थाइमिन है ये डीएनए में होता है और यूरेसिल जो होता है ये आरएनए में होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा।